तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि 15 अगस्त में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ बनाने वाले हैं। दोस्तों ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा, तो आप इसको अपने घर में किसी टेबल के ऊपर सजा के रख सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहते। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3 ट्रिकलर के पेपर ले लिए, जो कि यहाँ पर एक इसकी लंबाई जो है वो 29 सेंटीमीटर है और इसका जो चौड़ाई है वो आपका 9 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग के एक एक सेंटीमीटर के हिसाब से यहाँ पर आप लोग को कुछ इस तरह से मार्क लगाने रहने, जैसे कि यहाँ पर मैं मार्क लगा ले रहा हूँ। इसमें मार्क लगाने के बाद सिंपल से आप लोग को कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोग को फोल्ड करके दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरह से आपको एक बार आगे की ओर से इसको फोल्ड करना है, देन आपको इसको पीछे की ओर से कुछ इस तरह से फोल्ड करना है। तो दोस्तों इसको आपको कंटिन्यूसली लास्ट तक आपको इसको फोल्ड करते रहना है। तो चलिए पहले मैं इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोग को आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया। तो दोस्तों अब हम लोग के जो 2 लास्ट और पेपर बचे हैं इनको भी हम लोग इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इनको भी कुछ इस तरह से फोल्ड कर लिया। तो दोस्तों ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब ये 3 कलर आपस में मिलते हैं तो दोस्तों ये सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल के दिखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, इसके एक साइड में हम लोग कुछ इस तरह से फेविकॉल लगाएंगे बिल्कुल एंड वाले पार्ट पर, देन हम लोग इसके व्हाइट वाले पेपर को हम लोग इसके बीचों बीच में चिपकाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसके एक साइड को हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको चिपका देंगे। तो दोस्तों अब हम लोग का जो ऑरेंज कलर बचता है उसको भी हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पर चिपकाएंगे। तो यहाँ पर मैं फेविकॉल लगा देता हूँ, देन हम लोग इसको कुछ इस तरह से चिपका देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने तीनों को कुछ इस तरह से चिपका दिया है। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसको इस तरह से चिपकाने के बाद अब हम लोग इसके ऊपर फेविकॉल लगाएंगे कुछ इस तरह से बिल्कुल एंड वाले पार्ट पर। और यहाँ पर मैंने एक पेपर ले लिया है जो कि स्ट्रिप है पेपर का, और यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से इसको चिपकाएंगे। आप इसकी जगह के ऊपर किसी भी कलर का पेपर को ले सकते हैं, यहाँ पर मैं व्हाइट कलर के पेपर को ले रहा हूँ। तो दोस्तों इसको हम लोग कुछ इस तरह से चिपकाएंगे, उसके बाद इसके नीचे भी हम लोग फेविकॉल लगा के कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको भी चिपका देंगे। इसको चिपकाने के बाद अब हम लोग इसके ऊपर में भी फेविकॉल लगा के कुछ इस तरह से हम लोग इसको चिपका के इसको कवर कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसको हम लोग क्यों चिपका रहे मैं आप लोग को आगे बता दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कवर करके अच्छी तरह से इसको चिपकाने के बाद ये हम लोग को कुछ इस तरह से दिखेगा। तो दोस्तों जब हम लोग इसको खोलेंगे तो ये पूरी तरह से नहीं खुल जाएगा, इसलिए हम लोगों ने इस पेपर को लगाया है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक आइसक्रीम स्टिक ले लिया। तो दोस्तों अगर आप लोग पास आइसक्रीम स्टिक नहीं है तो आप किसी जगह पर कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हम लोग का बन के रेडी हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको इसको यहाँ पर खोलना है। तो चलिए मैं आप लोग को इसके एक जगह पर रख के दिखाता हूँ ये किस तरह से दिखता है। तो दोस्तों सिंपल से आपको कुछ इस तरह से इसको खोल लेना है, और दोस्तों हम लोग ने आइसक्रीम स्टिक लगाते हैं जिसकी वजह से ये कुछ इस तरह से खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसको किसी टेबल के ऊपर या फिर किसी चीज़ के ऊपर रख सकते हैं। दोस्तों ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।